हेलो एवरीवन, मैं आपका रोहित आपका 10 बज स्वागत करता हूँ आपके अपने आइडियल एक्सपर्ट चैनल में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने एप्स में नेटिव एड्स को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो नेटिव एड्स को अपने एप्स में इंप्लीमेंट करना काफी इजी होता है, बट आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं इस एड्स को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। मोबाइल एप्स में नेटिव एड्स को इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको एंड्रॉइड स्टूडियो में आ जाना है एंड कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो मैं स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्रिएट कर देता हूँ। जैसे हम स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देते हैं तो आपको यहाँ से कोई भी टेम्पलेट चूज करना है। तो मैं एम्प्टी एक्टिविटी पे क्लिक कर देता हूँ एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का नेम एंटर करना है। तो आपको यहाँ पे कोई भी आप यहाँ पे नेम एंटर कर सकते हो। मैं यहाँ पे नेटिव एड्स लिख देता हूँ। जैसे हम नेटिव एड्स लिख देते हैं तो अभी हमारा प्रोजेक्ट का नेम फिलअप हो चुका है। अभी आप जो नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है पैकेज नेम, आप यहाँ से पैकेज नेम भी चेंज कर सकते हो। अभी मैं फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है। तो फिनिश पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम फिनिश पे क्लिक करेंगे तो लोडिंग प्रोजेक्ट का आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। लोडिंग प्रोजेक्ट क्लोज होने के बाद अभी थोड़ी देर में ग्रेडल व्हील फिनिश हो जाएगी, तब तक हम ग्रेडल व्हील फिनिश होने तक वेट करते हैं। तो आप देख सकते हो ग्रेडल सिंक फिनिश इन 11 सेकेंड यहाँ पे मैसेज आ चुका था। अभी हम इस प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है ग्रेडल स्क्रिप्ट, हमें यहाँ पे आना होगा। तो इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ग्रेडल स्क्रिप्ट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। और जो आपको सेकंड में दिखाई दे रहा है बिल्ड डॉट ग्रेडल, आपको सबसे पहले इसको ओपन करना होगा। तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो बिल्ड डॉट ग्रेडल का ऑप्शन अभी ओपन हो चुका है। एंड आपको जो नीचे दिखाई दे रहा है डिपेंडेंसी, इसको आपको ओपन करना होगा क्योंकि हमें इसमें एक डिपेंडेंसी ऐड करनी है। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक PDF की URL प्रोवाइड करूंगा, जिसे आप उस पर क्लिक करोगे तो एक PDF ओपन हो जाएगी जिसमें आपको बहुत सारे कोड दिखाई देंगे। बस आपको उसको कॉपी एंड आपके प्रोजेक्ट में पेस्ट करना है एंड आपका नेटिव एड्स इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले उस PDF को ओपन कर देता हूँ। जैसे आप इस PDF को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आपके सामने कोड ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इसमें स्टेप वाइज मैंने कोड यहाँ पे एंटर कर दिया है। बस आपको कंट्रोल एंड सी से कॉपी करना है एंड प्रोजेक्ट में पेस्ट करना है। तो मैं सबसे पहले जो स्टेप वन में डिपेंडेंसी दिखाई दे रही है, मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ एंड बिल्ड डॉट ग्रेडल में जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। अगेन आपको PDF में आ जाना है एंड स्टेप 7 में आ जाना है। जो आपको स्टेप 7 दिखाई दे रहा है, आपको इसमें जैसे आओगे तो सेकंड में दिखाई दे रहा होगा इम्प्लीमेंटेशन, ये भी आपको डिपेंडेंसी कॉपी करनी है कंट्रोल सी से एंड प्रोजेक्ट में जाके इसको पेस्ट कर देना है। तो मैं कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर देता हूँ। अभी अगेन हमें उस PDF में जाना है। अभी हमें स्टेप 2 पे आ जाना है। तो आप देख सकते हो स्टेप 2 में मेटा डेटा को हमें कॉपी करना है। इसको मैं कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा, बट आपको ये ध्यान में रखना है जब इसको हम कॉपी करते हैं तो पॉप के बाद में जो आपको डैश दिखाई दे रहे ये यहाँ से कॉपी नहीं होती, इसलिए आपको खुद से बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डैश लगानी होगी। तो मैं प्रोजेक्ट में चला जाता हूँ एंड जो ऐप के नीचे मैनिफेस्ट फाइल दिखाई दे रहा है आपको इसको ओपन करना होगा। इसको ओपन करने के बाद एंड्रॉयड मैनिफेस्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो एक्टिविटी के नीचे आपको मेटा डेटा को पेस्ट करना होगा। तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो जो हमने पब के बाद में जो वहाँ पे डैश थी यहाँ पे अभी कॉपी नहीं हुई है, तो मैं इसको खुद से डैश दे देता हूँ। अगर सपोज यहाँ पे आप डैश नहीं देते हो तो आपका प्रोजेक्ट में एरर भी शो हो सकता है। अभी हमें यहाँ से परमिशन यूज़ करनी है, तो हम पैकेज नेम के नीचे में यूजेस परमिशन अभी कुछ एंटर कर देता हूँ। यूजेस परमिशन एक्सेस नेटवर्क स्टेट आपको सबसे पहले एंटर करना है, बाद में यूजेस परमिशन वाईफाई नेटवर्क स्टेट, वाईफाई स्टेट आपको यहाँ पे भी एंटर करना है एंड अगेन यूजेस परमिशन इंटरनेट। अभी हमारा कंप्लीट वर्क हो चुका है।
अभी हमें इसको सिंक नाउ करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले नेट अपना कनेक्ट कर देता हूँ। तो अभी मैं सिंक नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम सिंक नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारा ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हमारा कंप्लीट वर्क हो चुका है, इसलिए मैं बिल्ड डॉट ग्रेडल एंड एंड्रॉइड मैनिफेस्ट को क्लोज कर देता हूँ। अभी हमारा ग्रेडल बिल्ड भी फिनिश हो चुका है, इसलिए मैं नेट को भी क्लोज कर देता हूँ। अभी हम एक्टिविटी मेन में आ जाते हैं, तो आप देख सकते हो सिर्फ हमारे दो फाइल ओपन हो चुके। अभी हमें अगेन पीडीएफ पे जाना है एंड स्टेप थ्री में जाके हमने इस परमिशन को तो यहाँ से यहाँ तक हमने खुद ही ओन यहाँ पे पेस्ट कर दिया था यूजेस परमिशन में। एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में मैं इसको दो परमिशन को कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ एंड एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में अगेन मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। हम अगेन पीडीएफ में चले जाते हैं एंड स्टेप फोर के स्ट्रिंग को कॉपी कर देते हैं। मैं कंट्रोल सी से ऑल स्ट्रिंग को कॉपी कर देता हूँ कंट्रोल सी से एंड मैं प्रोजेक्ट में जाके रिसोर्स फाइल ओपन कर देता हूँ, वैल्यूज पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम वैल्यूज पे क्लिक करेंगे जो आपको सेकंड में ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल, आपको यहाँ से इसको ओपन करना है एंड स्ट्रिंग के नीचे जो हमने कोड कॉपी किया था इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। हम अभी स्टेप फाइव में चले जाते हैं एंड ऑल स्टाइल जो भी दिखाई दे रहा है इसको आपको कंट्रोल सी से कॉपी करना होगा एंड प्रोजेक्ट में जाके स्टाइल डॉट एग्जाम्पल जो आपको फाइल दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे ओपन करना होगा। जैसे हम इसको ओपन कर लेंगे तो आपके सामने स्टाइल ऑलरेडी कॉपी रहेगी, बट आपको स्टाइल के नीचे जो हमने कोड कॉपी किया था आपको कंट्रोल वी से इसको पेस्ट करना होगा। अगेन हम पीडीएफ ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पे स्टेप सिक्स में शो कर रहा है क्रिएट लेआउट, तो हमें लेआउट क्रिएट करनी है इस नेम के, तो मैं इस नेम को कॉपी कर देता हूँ एड यूनिफाइड। कंट्रोल सी से मैं इसको कॉपी कर देता हूँ एंड प्रोजेक्ट में जाके लेआउट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लेआउट क्लिक करोगे तो इसका लेआउट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है एंड न्यू पे क्लिक करना है। जैसे न्यू पे क्लिक करोगे आपको लेआउट रिसोर्स फाइल ऑप्शन ओपन हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे इसको ओपन करेंगे आपको फाइल नेम का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको जो हमने कंट्रोल सी से फाइल नेम का टेक्स्ट कॉपी किया था आपको यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट करना है। तो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया एंड आपको अभी ओके पे क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे ओके करेंगे अभी आपके सामने ऐड यूनिफाइड का लेआउट ओपन हो चुका है। तो मैं स्प्लिट पे क्लिक कर देता हूँ एंड कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट कर देता हूँ एंड बैक स्पेस से रिमूव कर देता हूँ। मैं अगेन पीडीएफ को ओपन कर देता हूँ एंड जो भी हमारा स्टेप सिक्स में कोड था इसको मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ। एक्सएमएल से मैं ऑल कोड को कॉपी कर देता हूँ एंड यहाँ तक इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से अगेन कॉपी करता हूँ एंड प्रोजेक्ट में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ जो हमने अभी अभी लेआउट क्रिएट किए थे वहाँ कंट्रोल वी से मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो हमने ऑल कोड कॉपी कर दिया है, बट यहाँ पे एक एरर शो हो रहा है। एरर इसलिए शो हो रहा है क्योंकि ड्रॉएबल में हमारे बटन नेम की कोई भी फाइल क्रिएट नहीं है, इसलिए मैं बटन को इस यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ एंड कंट्रोल सी से इसको भी कॉपी करता हूँ। ड्रॉएबल में चला जाता हूँ एंड यहाँ पे राइट क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम राइट क्लिक करेंगे न्यू का ऑप्शन ओपन हो जाएगा एंड आपको ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल पे क्लिक करना है एंड फाइल नेम में जो हमने बटन को कॉपी किए थे पेस्ट यहाँ पे कर देना एंड ओके पे क्लिक करना है। आपको अगेन कंट्रोल ए से सब सिलेक्ट करना है एंड बैक स्पेस से ऑल कोड रिमूव करना है। हमें अगेन पीडीएफ में जाना है एंड एक्सएमएल से शेप तक हमें इसको कंट्रोल सी से कॉपी करना है। तो मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ एंड प्रोजेक्ट में जाके बटन में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ड्रॉबल फाइल में। अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है। अभी हमें अगेन पीडीएफ में जाना होगा एंड जो स्टेप एट दिखाई दे रहा है हमें इसको कॉपी करना होगा लीनियर लेआउट को। मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ एंड अगेन प्रोजेक्ट में चला जाता हूँ एंड जो भी हमारे फाइल थे सिर्फ मैं एक्टिविटी मेन एंड मेन एक्टिविटी को अभी
ओपन रखूंगा एंड सबको क्लोज कर देता हूं। तो मैं सबसे पहले एक्टिविटी मेन में आ जाता हूँ एंड स्प्लिट पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। एंड जो बाय डिफॉल्ट कॉन्स्टिट्यूएंट लेआउट था मैं इसको स्क्रोल व्यू में चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम नेटिव ऐड यूज करते हैं तो हम रिसाइकलर व्यू में यूज करते हैं एंड रिसाइकलर व्यू में स्क्रोल व्यू होता है। बट आप इसको रिलेटिव लेआउट में भी यूज कर सकते हैं नेटिव एड्स को, या फिर रिलेटिव लेआउट में भी। तो मैं यहाँ पे अभी स्क्रोल व्यू लिख देता हूँ। स्क्रोल व्यू पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे नीचे एरर शो होगा, तो आपको यहाँ पे भी स्क्रोल व्यू एंटर कर देना है। तो मैं स्क्रोल व्यू यहाँ पे भी एंटर कर देता हूँ। सॉरी, स्क्रोल व्यू अभी हमारा एंटर हो चुका है। और आपको ये ध्यान में रखना है ओरिएंटेशन वर्टिकल यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। मैं ओरिएंटेशन वर्टिकल सिलेक्ट कर देता हूँ एंड यहाँ से टेक्स्ट व्यू को रिमूव कर देता हूँ। और जो हमने पीडीएफ से इस कोड को कॉपी किए थे स्टेप 8 में, यहाँ पे आपको पेस्ट करना होगा, या फिर जहाँ भी आपको नेटिव एड शो करना होगा आप वहाँ इस कोड को पेस्ट कर दीजिए। अभी हम अगेन पीडीएफ में आ जाते हैं एंड स्टेप 9 में जो दिखाई दे रहा है आपको इसको कॉपी करना होगा। तो मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ, स्टेप 9 में जो वेरिएबल दिए है। एंड जो मेन एक्टिविटी है आपको सबसे पहले इसमें जाना होगा एंड ऐप कॉम्पैक्टिविटी के नीचे वेरिएबल को पेस्ट करना होगा। अगेन हम पीडीएफ में चले जाते हैं। मैं अभी इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, मोबाइल ऐड रिप्लेस ऐड को, एंड प्रोजेक्ट में जाके ऑन क्रिएट के मेथड के अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ। अगेन हम इसमें चले जाते हैं पीडीएफ में एंड ऑल स्टेप 10 को, मैं जो भी हमारा स्टेप 10 में कोड है इसको मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ तक हमारा कोड कॉपी हो चुका है। तो मैं कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर देता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पर आपको पेस्ट ये ध्यान में रखना है, दो ब्रैकेट के बीच में आपको पेस्ट करना है। तो मैं कंट्रोल वी से यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मैं अगेन पीडीएफ में चला जाता हूँ एंड स्टेप 11 का जो भी कोड है मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो स्टेप 11 में जो भी कोड था मैंने कॉपी कर दिया कंट्रोल सी से एंड प्रोजेक्ट में जाके जो आपको नीचे के दो ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं इसके बीच में आपको कोड पेस्ट कर देना है। तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अभी हमारा कंप्लीट वर्क हो चुका है, बट यहाँ पे कुछ एरर शो हो रहे हैं मेन एक्टिविटी में। तो आपको ध्यान में रखना है एरर रिजॉल्व करने के लिए सिर्फ आपको हर इसमें अल्ट एंटर प्रेस करना है एंड इम्पोर्ट क्लास पे क्लिक करना है। तो मैं ऑल एरर रिजॉल्व करके बताता हूँ, सब पे मैं अल्ट एंटर ही प्रेस करूँगा। अल्ट एंटर इम्पोर्ट क्लास, अगेन लोड एड, सॉरी जो नहीं हो रहा उसको छोड़ देना है। फ्रेम लेआउट, अल्ट एंटर, अल्ट एंटर, अल्ट एंटर, अल्ट एंटर, अल्ट एंटर, सब पे आपको सिर्फ अल्ट एंटर ही प्रेस करते जाना है। इम्पोर्ट क्लास, अल्ट एंटर करके इम्पोर्ट क्लास, अल्ट एंटर इम्पोर्ट क्लास, अगेन ऊपर जाना है टेक्स्ट में भी अल्ट एंटर इम्पोर्ट क्लास, रेटिंग बार्ड भी अल्ट एंटर इम्पोर्ट क्लास, इमेज व्यू भी अल्ट एंटर इम्पोर्ट क्लास, बटन को भी सेम अल्ट एंटर इम्पोर्ट क्लास, एंड व्यू पे भी सेम अल्ट एंटर करना है, एंड मोबाइल एड्स में आके इसको भी अल्ट एंटर कर देना, सेम मीडिया व्यू को भी। तो आप देख सकते हो मेन एक्टिविटी में जो भी हमारा एरर था वो अभी कम्प्लीटली रिजॉल्व हो चुका है। तो अभी हमारा कम्प्लीट वर्क हो चुका है। अभी हमें मोबाइल डिवाइस को कनेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले मैं मोबाइल डिवाइस को कनेक्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो हमने अभी मोबाइल डिवाइस कनेक्ट कर दिया है। मैं अभी इसको रन ऐप पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं रन ऐप पे क्लिक कर देता हूँ तो हमारा ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो जाएगा। हम ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक वेट करते हैं। तो आप देख सकते हो हमें मैसेज आ चुका है, ग्रेडल बिल्ड फिनिश इन 37 सेकेंड। अभी हमारा ऐप इंस्टॉल हो रहा है तो हम वेट करते हैं। तो आप देख सकते हो हमारे मोबाइल डिवाइस में ऐप लॉन्च हो चुका है। जो हमारे प्रोजेक्ट का नेम था नेटिव एड्स 3 वो अभी हमारे ऐप का नेम रहेगा, ऊपर आपको एक्शन बार में शो होगा। तो देख सकते हो अभी नेटिव एड्स यहाँ पे आ चुका है एंड थोड़ी देर में
हमारा नेटिव ऐड शो होने लग जाएगा। तो आप देख सकते हो अभी हमारे मोबाइल डिवाइस ऐप में नेटिव ऐड भी शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपने कोई भी मोबाइल डिवाइस या फिर प्रोजेक्ट में नेटिव एड्स को शो कर सकते हो। तो आई होप गाइस आपको समझ में होगा कि नेटिव एड्स को अपने ऐप्स में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना। हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।